नमस्कार, स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायराकी। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। कमेंट में जाकर जय माता दी जरूर लिखें। थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप अपनी मेरी वीडियोज़ को शेयर कर मुझे उसके स्क्रीन शॉट भेजते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके इस एहसान के लिए, आपके इस प्यार के लिए, आपके इस आभार के लिए नरमस्तक हूँ, नम्न हूँ, बार बार झुकती हूँ आपके आगे कि आप इतना प्यार करते हैं मुझे। सदैव ये कृपा मुझ पर बनाए रखिएगा, प्यार करते रहिएगा। मैं आपसे प्यार करती हूँ इसलिए ये यूट्यूब चैनल चल रहा है, मैं आपसे प्यार करती हूँ इसलिए मैं ये वीडियोज़ बना रही हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ इसलिए मैं चाहती हूँ कि सावन हो या कार्तिक हो या चतुर्मास का पावन महीना हो, आपके हाथ से कोई भी एक उपाय छूट ना जाए। चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वास्तु हो, चाहे टैरो कार्ड्स हो, और कुछ भी हो, हमें ज़रूर करना है। आपके घर में ना, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझसे टैरो क्लासेस सीखी हैं, टैरो सीखे हैं। टैरो का पावन जो डैक है आपका, वो सावन के महीने में उस पर गंगा जल ज़रूर छिड़किएगा, अगरबत्ती धूप दिखाइएगा, उसे थोड़ी देर सूर्य की रोशनी में ज़रूर रखिएगा, उसे शिवलिंग से टच ज़रूर करवाइएगा, क्योंकि ऐसे में आपके कार्ड चार्ज हो जाएंगे। और अगर अभी तक आपने अपने घर में मेरे टैरो कार्ड्स मंगाकर नहीं रखे हैं तो आप अपने घर में टैरो कार्ड्स मंगाकर ज़रूर रखिए, क्योंकि सिर्फ मंगाकर रखने से ही आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आएंगे, मतलब हमेशा अच्छा होगा। आप एक बात समझ लीजिए, जो चीज़ हमारे पास आकर खोने वाली है वो पहले ही खो जाए तो बेहतर है, क्योंकि उसके बाद हमें उसकी आदत नहीं होनी चाहिए। मसलन एक एग्जांपल देती हूँ, एक महिला गर्भवती है, उसका तीसरा महीना चल रहा है, लेकिन जब वो बच्चा पैदा होगा तो वो पागल होगा, या वो अंधा होगा, या फिर वो सही नहीं होगा किसी भी एंगल से, या कुछ पैदा होने के कुछ महीने बाद मर जाएगा। अब मुझे बताइए कि ये कष्ट से ज़्यादा अच्छे नहीं कि 3 मंथ्स में ही उसका मिसकैरेज हो जाए या अबॉर्शन हो जाए और वो बच्चा पहले ही उस कष्ट से, तकलीफ से मुक्त हो जाए, क्योंकि बच्चा भी तो तकलीफ पाएगा अगर माँ पाएगी तो। तो मेरा मानना ये कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी है आपके साथ दुखित, तो उस पर ना विश्वास रखो। अपने मन का हो अच्छा, अपने मन का ना हो और भी अच्छा, क्योंकि कई बार हम कितनी ऐसी तकलीफों और कष्टों से गुजर रहे होते हैं जो हमें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन एक्चुअली में वो तकलीफें और कष्ट बहुत बड़े होते हैं। आज मैं आपको वो बातें बताऊंगी जो हमारी दादी परदादी वगैरह हमें बताया करती थी, जो एक जादुई सावन के टोटके हैं, जिसे आप सावन के पहले सोमवार से भी कर सकते हैं, जिसे आप सावन के पहले दिन से भी कर सकते हैं, जिसे आप सावन के आखिरी दिन केवल एक बार भी कर सकते हैं, मिडल ऑफ सावन भी आप उसे शुरू कर सकते हैं। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको इसको 10 बार करना है, यू जस्ट हैव टू डू एक रेमेडी एक बार, मोर देन इनफ। पूरे साल सिर्फ बरकत ही बरकत, सिर्फ खुशियां ही खुशियां, सिर्फ भगवान की कृपा ही कृपा आपके ऊपर। क्या है वो सावन के ऐसे जादुई टोटके जो हमारी दादियां ने हमें बताए थे? एक्चुअली आई एम सॉरी टू से, मुझे इन्हें टोटका कहना पड़ता है तो मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि ये तो भारतीय सभ्यता संस्कृति के रूल्स थे। किसी के घर भी महीने भर का राशन सावन में जरूर डलवा दीजिए, किसी का मुफ्त इलाज करवा दीजिए, किसी की नौकरी लगवा दीजिए, किसी की झूठी तारीफ कर उसको अच्छी जगह पर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा दीजिए। जैसे आपका एक दोस्त बहुत मोटा है, उसको बताओ तो बहुत खूबसूरत है, वो मरते हुए आदमी के अंदर एक बूस्टर वाला इंजेक्शन लगा दीजिए, आपके दो हिम्मत वाली बातें, दो बोल उसको सुसाइड करने से बचा सकते हैं। किसी भी मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करवा दीजिए, किसी भी बच्ची की शादी करवा दीजिए, किसी भी बच्ची का कन्यादान करवा दीजिए, कम से कम 5 पेड़ आम, नीम, बरगद और केला और शमी, या जिसे कहते हैं बेलपत्र का पेड़, ज़रूर लगवा दीजिए सावन में एक बार। मरने के बाद भी जिंदा रहना है तो आपको ये तो कि मैं इस संसार को छोड़ के जा रहा हूँ, पर 5 पेड़ लगाकर जा रहा हूँ जो दुनिया को पीछे से ऑक्सीजन देंगे। किसी दो लोगों के टूटे हुए दोस्ती को वापस जुड़वा दीजिए, किसी आपस में हुई मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करवा दीजिए, कोई चीज सावन में इस बार त्याग दीजिए, कोई उधार उतार दीजिए या उधार उतारने में किसी की मदद कर दीजिए, कोई चीज ग्रहण कर लीजिए, एक अच्छी हैबिट कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए मैं 10 मिनट वॉक करूंगा या 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा, पर मैं करूंगा जरूर, कुछ कीजिए। ये सब बातें मुझे मेरी दादी नानी और सब बताते थे, और आई मीन ये हमें इस चतुर्मास के पावन महीने में ज़रूर करना चाहिए। 4 महीने हैं, सावन में करें, भादों में करें, और चाहे कार्तिक में करें, पर ज़रूर करें। किसी पक्षी को पिंजरे में से आज़ाद करवा दीजिए, किसी की जमानत करवा दीजिए, किसी को उसके घर पहुंचा दीजिए, किसी का टूटा हुआ घर बनवा दीजिए, किसी को नौकरी दिलवा दीजिए, किसी की जाती हुई नौकरी को नौकरी जाने से रुकवा दीजिए, किसी को प्लीज़ मरने से बचवा दीजिए, किसी के अंतिम संस्कार के अगर पैसे नहीं है उसके पास तो प्लीज़ आप दिलवा दीजिए, किसी दो प्यार करने वालों को आपस में मिलवा दीजिए,
दो टूटे हुए दिलों के अंदर से नेगेटिविटी को बाहर भगा दीजिए। किसी की तारीफ कर उसको दोबारा से जिंदा कर दीजिए। किसी पति पत्नी का टूटा हुआ घर वापस से जुड़वा दीजिए। कोई बुरी आदत किसी की छुड़वा दीजिए। कोई गंदा इलाका या एरिया साफ करवा दीजिए। किसी का कोई सपना पूरा करने में उसकी मदद कर दीजिए। भगवान न सही भगवान के दोस्त ही बन जाइए। एक बार एक लड़का जूते पहनकर बाहर बैठा था मंदिर के, और उसके जूते सारे टूटे हुए थे। आसपास जो बच्चे खेल रहे थे उनके जूते बड़े अच्छे थे। उसने भगवान से मंदिर में देखकर कहा, मैं ऊपर नहीं आऊँगा, पहले मेरे जूते सही करवाओ और मेरे लिए जूते भेज दो। और तुम नहीं आ सकते ना, तुम्हारे भक्त हैं बहुत सारे, तो तुम प्लीज़ अपने दोस्त को भेज दो। वहाँ से एक आदमी गुजरा, उसकी सारी बातें और हरकतों को देख रहा था। वो बगल की दुकान पर गया और उसने उसके लिए जूते लाकर दिए और बोला, ये जूते तू पहन ले। बोला, ओ आप भगवान हो? उसने बोला, नहीं मैं भगवान नहीं हूँ, तुमने ऐसा क्यों कहा? कह रहे, क्योंकि मैंने भगवान से कहा था कि भगवान मेरे को जूते चाहिए। अच्छा, तुम भगवान के दोस्त हो? उसने कहा, नहीं मैं भगवान का दोस्त भी नहीं हूँ। तो उसने बोला, मैंने भगवान से कहा था तुम नहीं आओ तो अपने किसी दोस्त को भेज देना। पर उस बच्चे ने आज उस आदमी को बहुत अच्छा लेसन दे दिया था। उसने कहा कि भगवान ना सही भगवान के दोस्त बन जाओ। तो इस वीडियो का टॉपिक भी हम यही रखेंगे, बनिए भगवान के दोस्त इस चतुर्मास में। प्लीज़ किसी के लिए भगवान के दोस्त बन जाइए, किसी के लिए फरिश्ते बन जाइए। और हमारे यहाँ भगवान के दोस्त को फरिश्ता ही कहा जाता है। तो ऐसा कोई उपाय ज़रूर कर लीजिए सावन में, जिससे किसी का मन खुश हो जाए। सावन के महीने में मुझसे किसी ने व्हाट्सअप कर कहा रहा कि जी ये भी बता दीजिए क्या छोड़ें। चलिए बता देते हैं, चप्पल छोड़ दीजिए, नॉनवेज छोड़ दीजिए, संभोग छोड़ दीजिए, बिस्तर छोड़ दीजिए, पार्लर जाना छोड़ दीजिए, प्याज खाना छोड़ दीजिए, लहसुन खाना छोड़ दीजिए, शराब पीना छोड़ दीजिए, सिगरेट पीनी छोड़ दीजिए, किसी खास दोस्त को बिल्कुल ना छोड़ें आप, किसी बुरी बात को छोड़ दीजिए, चुगली करना छोड़ दीजिए, गुस्सा करना छोड़ दीजिए। और अगर आप कुछ करना चाहते हैं सबसे बेहतर, इन सबसे ऊपर, चप्पल छोड़ने से भी ऊपर, फिलहाल दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। तो सावन के इस पावन महीने में कर लीजिए इनमें से कोई भी एक खास उपाय, कर लीजिए धारण अपने मन में कुछ इच्छाएं। अपना और अपनों का ध्यान रखना। मेरा 5 मिनट स्टोरीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव।